Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Pusha Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. तो भाई इस बार भी ड्रामों की गेम बहुत स्ट्रांग चल रही है. एक से एक बढ़ के एपिसोड आई थी, बहुत मज़ा आ रहा था. वीकेंड के ड्रामे तो इतने ज़बरदस्त थे कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं टीवी के सामने सो उठूँ. और शहनाई इज़ ग्रोइंग रियली रियली वेल. इश जलेबी बहुत मज़ेकार है. चुपके चुपके इज़ ऑल्सो ग्रोइंग ऑन मी. और ताना बाना मैंने कुछ दिन से नहीं देखा है तो उस पर मुझे इतना नहीं अभी आइडिया कि क्या हो रहा है. बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इतने मज़े के ड्रामे आ रहे हैं कि मज़ा आ रहा है रिव्यू करने का और मज़ा आ रहा है टीवी देखने का. ओके जी, सो हम स्टार्ट करेंगे विद आर नंबर 5th ड्रामा. नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है शहनाई. आई हैव टू एडमायर द राइटर एंड द डायरेक्टर. वो पूरा जो उन्होंने सीन किया कि वो कमरे में जाता है, चुपके निकालता है अपने अब्बा का फ़ोन और उंगली करता है, दैट वाज सो कूल. इतना मज़ा आया मुझे उसको देखकर. फिर वो बाहर निकले तो वो रोमांटिक अंदाज में हो गए उससे बात करने के लिए. फिर जो पूरा मीराब और बख्त का सीन था, जब वो गाड़ी पर लेके जाता है और उसको बताता है कि तुमने क्यों उसको तस्वीर भेजी है. वो गुस्से में कहती, हाँ मैंने भेजी, जानबूझ के भेजी, मुझे उस छिपकली पर गुस्सा आ रहा था, मुझे चिढ़ हो रही है. आई जस्ट लव द होल इंटरेक्शन. और उसके बाद फिर बख्त को पता चल जाता है कि समीन की सच्चाई क्या है. बहुत मज़े का है, फ़नी सीन्स हो रहे हैं और स्टोरी मूव कर रही है. सबसे बेस्ट बात यह कि ऐसा नहीं है कि कॉमेडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी या ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा है. इतनी नेचुरल फ्लो है और कुछ ना कुछ हर एपिसोड में होता है. लाइक हम बैठे होते हैं कि अच्छा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो आई लव दैट पार्ट कि कहीं भी ड्रैग नहीं हो रहा है ड्रामा. और हर कैरेक्टर की स्टोरी जो है ना, हर कपल की स्टोरी, जो 3 कपल्स हो गए उनकी स्टोरी इतने मज़े की है कि इट्स अ प्लेजर टू वॉच इट. और जावेद शेख साहब को भी देख के बड़ा मज़ा आ रहा है. इतने अरसे बाद हम उनको एक बड़े डिफरेंट कैरेक्टर में देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी बोला था. एंड मीराब एंड बख्त दोनों आर जस्ट लव. मुझे मज़ा आ रहा है इस बार हम मीराब को गुस्से में देखा हमने, यू नो कि अच्छा मीराब को गुस्सा भी आ सकता है और वो चिड़ के बोल भी सकता है बख्त से. तो इट वॉज a very very entertaining episode, like all the episodes have been so far. So number 5 pe Shehnai, let's see ke Shehnai's top 5 mein rehta hai ya nahi rehta, kuch arse baad girega, kya hoga, time will tell. Number 4 pe hamare paas hai Khuda aur Mohabbat. बहुत मुश्किल था यार ये 5 ड्रामे चूज़ करना, बिकॉज सारे बहुत से ड्रामों के एपिसोड्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही हैं. और इवन फितूर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वही था कि बाकी ड्रामे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. तो ये हो जाता है कि वो आने नहीं दे रहे हैं किसी को भी नंबर टॉप 5 में. ओके जी, तो खुदा और मोहब्बत में इस बार काफ़ी कुछ हुआ. सज्जल ने अपनी मोहब्बत जो है वो फरहाद को बता दी और फरहाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया. दैट वाज अ वेरी बोल्ड मूव ऑन सज्जल्स पार्ट. आई वाज वेरी इंप्रेस द वे द होल सीन वाज शॉट एंड इतने डिसेंट तरीके से उस पूरी चीज़ को हैंडल किया है डायरेक्टर ने, एक्टर्स ने. एंड शामिन खान को पूरा मतलब उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी सेंसिटिव और बड़ा ऑकवर्ड सा सीन हो सकता था, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है ना. आई लव इट व्हेन शी लुक्स अप एंड उनको बोलती है ना फरहाद को कि देखो मेरी तरफ, मुझ में क्या कमी है. तो मुझे बहुत मज़ा आया. इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं था हमें कि सजल ये कर देगी. अच्छा फरहाद साहब, अब आपको कुछ ख्याल आया कि भाई आपने भी तो यही किया, आप भी तो रिजेक्ट कर रहे हैं सजल की मोहब्बत को, तो फिर आप माही पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? माही के अगेंस्ट आपके दिल में चीज़ें आ रही हैं, यू थिंक माही जो है वो आपके साथ अनफेयर हो रही है. उधर माही साहबा की भी डेवलपमेंट हो रही है, उन पर थोड़ा मुझे चिड़ चढ़ी है कि उन्होंने तैमूर से सही तरह क्यों नहीं बात की. तो इस बार की एपिसोड मुझे बड़े मज़े की लगी और कुछ ना कुछ हो रहा था. वी कैन सी के ट्रांजिशन हो रही है माही में. ऑल दो आई डू नॉट एग्री विद द ट्रांजिशन, बट स्टिल एटलीस्ट ड्रामे में मूवमेंट हो रही है. तैमूर साहब जो है वो तो बिल्कुल अपना जो ना दिल हार चुके हैं माही पे, और उनको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सवाई माही के. सो नंबर 4 पे है खुदा और मोहब्बत. नंबर थ्री पे हमारे पास है डंक. मैं चेक करती जा रही हूँ कि मैंने सही अपने नंबर बोले ना. डंक भी बहुत मज़े का था. पूरा सीन जो बिलाल और सना का था, आई लव्ड इट एंड आई लव दैट डायलॉग. मैं तो बिसात पलट दूंगा, यू नो क्या बात है हैदर साहब आपकी. आई लाइक इट कि हैदर और मिनाल के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हैं. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि दोनों जो हैं वो डिसेंट होने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है. इट्स नॉट रोमांस बट इट्स वेरी इंडियरिंग. इट विन्स योर हार्ट, यू नो द कि वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. फिर वो गाड़ी में जाते हुए बोलता है कि तुम हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो, अब हम आज तुम्हारे लिए कोई चीज़ करेंगे, तुम्हारे भाई भाभी को मनाने की कोशिश करेंगे. तो मुझे ये ना छोटा छोटा जो ह्यूमन एंगल दिखाया है कैरेक्टर्स का डायरेक्टर ने, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड इट जस्ट मेक्स देम सो मच रियल, यू नो, एंड सो मच. और ऐसा हो रहा है कि
हमें ऑलरेडी हैदर और मिनाल के कैरेक्टर से प्यार है, लेकिन इसकी वजह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिलों में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। और अब ये होगा कि जब अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ, और जब हम उनके लिए रूट करेंगे तो हम दिल से रूट करेंगे। तो आई लव दिस, ये जो सारे एंगल्स और ये इतनी बारीकियाँ जो राइटर ने और फिर डायरेक्टर ने भी इस ड्रामे में और कैरेक्टर्स में डाली हुई हैं। उसके अलावा अमल साहिबा की तो हालत ख़राब है, अब क्या होगा अमल जी, आप कहाँ भागेंगी या क्या नई चाल करेंगी? पुलिस में अंजुम जो थी वो अंजुम साहिबा चली तो गई हैं पुलिस थाने के, बट क्या वो ही लिखाएंगी FIR या नहीं कटवाएंगी FIR? जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि अब तक ड्रामे में ऐसा होता रहा है कि वो हमें एक क्लू देते हैं, हमें इधर उधर थोड़ा सा वो करते हैं, फिर हमें एक सरप्राइज़ दे देते हैं या हमें एक बैक में जाके एक कनेक्शन दिखा देते हैं कि ये कनेक्शन था इन दो इवेंट्स के बारे में। तो मुझे ये भी है कि सोचा हैदर ने था कि FIR, जब हैदर बहुत स्ट्रेस में होता है वो कहता है यार मैं क्या करूँ। एंड अगेन आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि आई लव द वे दिस ड्रामा हैज़ बीन डायरेक्टेड, कि हैदर की कश्मकश दिखाई, फिर वो सोच रहा है, उधर से उसको क्लू मिलता है कि अमल ने उसको मना किया था कि FIR नहीं कटवाना जब तक डिसीजन नहीं आ जाता कमेटी का। तो उसने कहा यहाँ पर कोई चीज़ है, और उसके दिमाग में ये बात आ जाती है। अब अंजुम के दरमियान में कैसे ये बात आई कि FIR कराना, तो क्या वो दोनों आपस में मिले, वो दोनों आपस में काम करें, जो बाद में हमें जाके पता चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो दूसरे साहब थे चौकीदार साहब, उन्होंने जो अंजुम को बोला था कि तुम जाके उनकी माँ बेटी से, प्रोफेसर साहब की माँ बेटी से बात करो, शायद तुम्हारे दिल में कुछ हो, आई डोंट थिंक दैट मेड हर डू दैट, बिकॉज वो तो कमेटी में जाके फिर बयान देती ना, FIR क्यों कटवाती? व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप मुझे बताएं। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके बदर महमूद साहब हमें एक सरप्राइज़ देंगे और हमें पता चलेगा कि अच्छा हैदर और अंजुम तो काम साथ कर रहे थे। अगेन बहुत मज़े की एपिसोड थी, एंड आई लव इट कि वो जो प्रोफेसर की बेटी और बीवी जो हैं उनका भी ट्रैक साथ साथ लेके चल रहे हैं, उनके लिए भी हमारे दिलों में कुछ ना कुछ जज्बात जगाते रहने ताकि हम बिल्कुल भूल नहीं जाएं। सो गोइंग स्ट्रॉन्ग डंक, एंड लेट्स होप यू डू नॉट ड्रॉप आउट ऑफ टॉप 5। इससे पहले कि हम जाएं नंबर 2 पे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वॉन्ट टू गिव टू अंजुम शहजाद फॉर पहली सी मोहब्बत। हाँ, क्या एपिसोड थी, मुझे लग रहा था मैं एक मिनी फिल्म देख रही हूँ। ट्रेजिडी, एक्साइटमेंट, एक्शन, रोमांस, हर चीज़ थी, बस एक गाना नहीं था जो मे बी असलम और अक्षी ने रोज़ा और मैं इतना बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा जो गला है वो खुश भी हो जाता है और ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो हाँ जी, तो ऐसा नहीं, बस ऐसा ही नहीं था कि रक्षी और असलम कोई दरख्तों के गिर्द गाने गा रहे होते या रक्षी नीचे रो रही और असलम जो है वो नीचे ऊपर दीवार पे से गाना गा रहा है, ये नहीं हुआ। बाकी तो मुझे लगा कि उसमें पूरा फुल मसाला था एक इंटरटेनिंग शॉर्ट फिल्म के लिए। एंड आई लव द वे इवेंट्स का फ्लो हुआ, इधर असलम पहुँचा, इधर अकरम ने फैज़ुल्ला को वो दिखा दिया, तस्वीरें दिखा दी, वो दोनों बात करें, फैज़ुल्ला पहुंच गया, पकड़ लिया, इधर सिकंदर आया, इधर से उन्होंने बिल्टअप किया कि अब असलम को मार पिटेगी। सो ये जो पूरी फ्लो गई है इवेंट्स की, आई लव इट, वी वर गोइंग विद द स्टोरी विद द डायरेक्टर एंड आई लव इट कि मुझे इतना मज़ा आया कि जब फैज़ुल्ला ने मारा तो वो इतना रियल था रक्षी को कि आपका दिल कट गया, सीरियसली मेरा दिल कट गया था कि यार इसने क्या किया। और उन्होंने उस सीन को ज़्यादा, एक और चीज़ जो मैं पॉइंट करना चाहती हूँ, अगर आप देखें उन्होंने उस सीन को खींचा नहीं है, जस्ट इतना कि आपका दिल कटे और आप वहाँ पे कट हो गया एंड यू मूव टू द अदर सीन। सो आई लाइक दी स्मॉल थिंग्स जो उन्होंने की। फिर रक्षी और असलम वाले सीन में वो तो इतना प्यारा था सीन कि वो असलम जो है वो रक्षी की तरफ बढ़ता है, फिर देखता है नरगिस को और फिर पीछे हट जाता है। ये छोटी छोटी जो उन्होंने डायरेक्शन में चीज़ें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने कट किया, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्टर एक्टर्स को एक्ट को डायरेक्ट किया हुआ, इट इज़ एडिंग सो मच द फील ऑफ द ड्रामा, इट इज़ एडिंग सो मच द रियलिटी कि हाँ यही तो होगा, ऐसी अनकंफर्टेबल तो फील करेंगे रक्षी और असलम अगर नरगिस के सामने वो मिलेंगे। हाँ, फैज़ुल्ला आएगा तो उसको इतना ही तो गुस्सा चढ़ेगा अपनी बीवी पे, इसी तरह तो वो अंधाधुंध मारेगा अपनी बेटी को और बीवी को और इवेंचुअली नरगिस को ब्लेम करेगा। एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि उन्होंने नरगिस को कैसे डायरेक्ट किया, कि नरगिस को चीख ही नहीं चलाई, नरगिस का एक अंदर सीथिंग रेज है, एक उसके अंदर ना गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक दुख है, और वो दुख राबिया भट्ट के थ्रू उन्होंने उनके जो एक्सप्रेशन है इतना अच्छा उसको किया, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, वो चुप करके बैठ गई, उसकी चुप, उसकी जो वो स्टेयर थी वो ही इतनी इम्पैक्टफुल थी। तो आई रियली लाइक द वे एक्शन को इनकॉर्पोरेट किया, आई रियली लाइक द वे इमोशंस को इनकॉर्पोरेट किया, आई रियली लाइक द वे द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी हैज़ बीन कनेक्टेड,
वो उसने मारा सिकंदर ने जाके, उससे पहले उन्होंने दिखाया कि सिकंदर ने जाके फैजुल्ला को बोला यार ये तो मेरी इज्जत है, आप फिक्र ही नहीं करें। तो हर चीज़ को एक कनेक्शन, एक लॉजिक के साथ बिल्टअप किया हुआ है, जिसके लिए आई थिंक द क्रेडिट गोज टू अंजुम शहजाद। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक इज़ अंजुम शहजाद दिस वीक। ओके जी, फिर हमारे पास है नंबर टू पे हमारे पास है रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल की एपिसोड भी बड़ी धमाकेदार थी भाई, बहुत मज़ा आया देख के, और हम लोग सोचे थे मूसा क्या करेगा, एक्शन उन्होंने कम दिखाया और फाइनल उस पर ले गए कि क्या हुआ, विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड कि अच्छा लैला बच गई नहीं बच गई, मूसा कैसे लैला को बताएगा या लैला के मियाँ के साथ कैसे हैंडल करेगा। तो I like it. I also like the twists that were happening. मतलब बड़ी happening episode थी, लैला बच गई, मूसा और लैला की बात हुई, लैला ने शहरियार साहब को पैसे भी ऑफ़र कर दिए, ब्लैंक चेक भी ऑफ़र कर दिया। शहरियार अब सोच रहे हैं यार, और वो कहता भी है बड़े मज़े की बात सुनी कि उसने तुमने सोरा को कि तुमने जाते जाते भी मुझे अमीर बना दिया, यू नो। एंड देन ईसा को पता चल गया सकीना का। सो अगेन अ ग्रेट ड्रामा, वेरी नाइसली डायरेक्टेड, एडिटेड एंड परफॉर्म्ड, कि ड्रैग नहीं हो रहा है। मतलब हर एपिसोड के बाद आप कहते हैं यार अगली एपिसोड में क्या होगा, जैसे अब हम बैठे हुए अगली एपिसोड में, वी वॉन्ट टू नो क्या सकीना को ईसा माफ़ करेगा, मार देगा, क्या होगा, या घर से निकाल देगा, मूसा और जोहरा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मलिक शहरियार जोहरा की लैला की ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। सो रक्से बिस्मिल इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स सो मच फन टू वॉच इट। Before we go to number one, best actor बहुत बहुत मुश्किल था, but I think I'm gonna give it to Sania Saeed for Raqeeb से। इतनी खूबसूरत acting की है सानिया सईद ने, इतनी खूबसूरत acting की है। I mean जब वो रोती हैं, उफ क्या वो रोई है, और जिस तरह बोला भी था हाजरा ने, सकीना ने, और हाजरा रोती है, मैं भी रो रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, I loved it, it was so natural। उसके बाद जब वो हाजरा को, जब वो सकीना को बोलती हैं कि तुम तो नाराज़ थी, मैं तो तुम्हें मनाने आ रही थी, वो पूरी बात, फिर मकसूद साहब से जो वो बात करती हैं, एंड शी इज़ यू नो घबराई हुई कि मकसूद साहब मुझे क्या बोलेंगे कि मैंने इनका रिश्ता कराने की बात की, सारा कुछ वो जो बोलती हैं, इट वॉज़ सो वेल डिलीवर्ड। इट इज़ लाइक वही मैं कह रही हूँ कि सानिया सईद ने हाजरा के कैरेक्टर में इतनी लेयर्स, बी गुल ने लिखा है, लेकिन सानिया सईद ने हाजरा के कैरेक्टर की एक एक लेयर को इतनी खूबसूरती से डिलीवर किया है, परफॉर्म किया है। कहीं वो सकीना के साथ दोस्त बन जाती हैं, कहीं वो मकसूद साहब की वो बीवी बन जाती हैं जिनको उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है, कहीं वो बीवी बन जाती हैं जो अपनी मियाँ की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, कहीं वो इंशा की मोहब्बत या गुस्सा करने वाली माँ बन जाती हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक जब वो इंशा के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और इंशा को वो बताने वाली होती हैं। आई थिंक सानिया सईद वॉज ग्रेट दिस वीक एंड एपिसोड में, मतलब मज़ा आ गया उनको देख के। इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाई सानिया सईद एंड वी लव यू। अल्फाज नहीं मिल रहे मैं उनके लिए क्या बोलूँ। इसके अलावा आई डू वॉन्ट टू मैंशन माया। आई थिंक माया वॉज ग्रेट, जब वो रोई हैं, उफ वो जो रोई हैं पहली सी मोहब्बत में, क्या मेरा दिल कुछ हो गया। उसके बाद राबिया भट्ट इज़ नरगिस, क्या उन्होंने एक्सप्रेशन दिए कि वो जो आँखों से उनका दुख था ना नरगिस का, अमेजिंग, आई लव्ड हर। आई वॉन्ट टू मैंशन शामीन खान एज सजल फॉर खुदा और मोहब्बत। छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा सीन नहीं था, बहुत सेंसिटिव सीन था, बड़े सेंसिटिव डायलॉग थे, पूरा एक्शन, बट शी डिलीवर्ड इट विथ सच ग्रेस एंड एलिगेंस कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे वो सीन देखते हुए कहीं भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ, एंड शी वॉज सो गुड विद हर एक्सप्रेशंस। शामीन खान डिड एन अमेजिंग जॉब एज सजल इन दिस होल ड्रामा एंड स्पेशली फॉर दिस एपिसोड। ये जो सीन था जब वो फरहाद को अपना दुपट्टा गिराती हैं। आई डू वॉन्ट टू मैंशन शहरयार मुनव्वर, जिस वक्त वो माया अली के साथ खड़े होते हैं एज असलम और रक्षी खड़े होते हैं और वो उसको बात करते हैं, असलम की वो जो कंट्रोल है, अमेजिंग, इट वॉज सो नाइस टू सी एंड सो पेनफुल ऑल्सो कि असलम से कंट्रोल नहीं हो रहा कि वो कैसे रक्षी को पा ले, लेकिन नहीं पा सकता। फैज़ुल्ला शब्बीर जान, वाह क्या परफॉर्मेंस थी, वो जो आए गुस्से में हाँप रहे हैं एंड ही इज़ एंग्री, और वो दुकान पे भी जब अकरम उनको दिखाता है तो उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, ये सच है झूठ है, तो अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस शबीर जान की। बिलाल अब्बास एज हैदर इन डंक,
क्या जबरदस्त यार, जब वो अमल को खड़े होके वो पूरे डायलॉग बोलते हैं, कहाँ वो तंज करते हैं, कहाँ वो गुस्सा करते हैं, कहाँ वो उसको धमकी देते हैं, पूरी चीज़ें बिलाल ने अपनी टोन से डिलीवर की. इट वाज रियली गुड. एंड आल्सो आई वांट टू मेंशन सना जावेद जो उनके ऑपोजिट थी उस वक्त, क्योंकि जब तक वो सुन रही थी उनके डायलॉग नहीं, उनके सिर्फ एक्सप्रेशंस थे एज अमल, एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब. आई डू वॉन्ट टू मैंशन सारा खान एज ज़ोरा. देखिए बड़ी लंबी लिस्ट है यार, मैं क्या करूँ. आई डू वॉन्ट टू मैंशन ऑल ऑफ दिस पीपल बिकॉज दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. एंड ज़ोरा एज ज़ोरा, सारा खान इज़ डूइंग एन अमेज. बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख कर यार, कि वो कश्मकश में, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, गुस्से में भी हैं, दुख में भी हैं, और मूसा की तरफ जाना भी चाह रही हैं, लेकिन ड्यूटी भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहरयार की तरफ एज वाइफ है वो भी निभाना चाह रही हैं. सो आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन. हदीका क्यानी इन इन रकीब से यार, क्या वो जब बताती है कि मैंने इसलिए मकसूद साहब के अगेंस्ट गवाही दी थी, ज़बरदस्त. बहुत मज़ा आ रहा है देखने का, और बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज. आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन. नंबर वन पे इस बार है पहली सी मोहब्बत. एज आई सेड पहले भी, मैंने मुझे लग रहा था मैं एक मिनी फिल्म देख रही हूँ. इतने मज़े का हर चीज़ हमें मिली देखने को. आई थिंक अगर आप पहली सी मोहब्बत देख रहे थे तो आप एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठे हो सकते. आप कॉन्स्टेंटली थे यार ये क्या हो, ये क्यों. जब बेचारे असलम को मार पिटती है उस वक्त आपको इतना अफसोस होता है, यू कुडंट बिलीव कि यार सिकंदर ये करेगा. और फिर जब रक्षी और असलम पकड़े जाते हैं, यू आर लाइक प्लीज़ 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 भाग जाओ असलम, भाग जाओ मत. तो यू नो आपकी ये सब फीलिंग्स चल रही थी. और फिर जब रक्षी रोती है तो आपका दिल जो है वो बस टूट जाता है, आपको समझ नहीं. आप यू कैन फील द पेन. एंड आई वॉन्ट टू से ये यही बात होती है कि अगर आपकी कास्ट ऐसी हो जो इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हों, तो ड्रामा देखना जो है ना वो मैजिकल हो जाता है. दिस इज़ व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ ग्रेट एंड एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स जब जमा होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पहली सी मोहब्बत में यही हो रहा है. इट इज़ एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स हु आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड जिन्होंने ड्रामे को चार चांद लगा दिए. एंड ऑफकोर्स फायज़ा इफ्तिखार की राइटिंग है एंड अंजुम साहब की डायरेक्शन है, लेकिन द एक्टर्स आर डूइंग सच अ इनक्रेडिबल जॉब कि यू बिलीव वॉट इज़ हैपनिंग. आई लाइक कि स्टोरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम एक मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठ पाते. हम लोग सोच रहे हैं रक्षी और असलम का क्या होगा, जैनब का और मुराद का क्या होगा, सिकंदर क्या नई चाल चलेगा, अकरम क्या चुप करके बैठ जाएगा, क्या असलम को असलम की मार के बाद अकरम और भड़क जाएगा या थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, और क्या रक्षी को उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और नरगिस का क्या होगा, विल नरगिस लीव फैज़ुल्लाह और विल शी स्टे देयर. सो मेनी क्वेश्चन, सो मच हैपनिंग. एंड एज आई सेड पहले भी जब मैं बेस्ट डायरेक्टर दे रही थी, कि सिर्फ ये कमी रह गई थी कि एक गाना नहीं है, वरना तो हमें हर किस्म की इंटरटेनमेंट मिली. हमें एक्शन भी मिला, रोमांस भी मिला, हमें दुख भी मिला, हमें रोना भी मिला, हमें गुस्सा भी मिला, हमें मारकुटाई भी मिली. तो बहुत मज़ा आ रहा है पहली सी मोहब्बत को देख के. एंड आई थिंक इट वॉज़ अ फुल कम्प्लीट एपिसोड जिसको आप किसी भी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते. एंड थैंक यू सो मच टू द इंटायर प्रोजेक्ट, टू द इंटायर टीम बिहाइंड द प्रोजेक्ट फॉर सच अ ग्रेट यू नो ड्रामा दैट वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड बाय. तो जी मेरे आज के टॉप 5 इस वीक के यही थे. आप लोग बताएं कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते, आपकी लिस्ट में कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए. ये मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टॉप 5 ड्रामा ऑफ द वीक है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज और सो. हम लास्ट 10 डेज ऑफ रमज़ान में कोई वीडियो नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह. आप भी इबादत कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे कि इबादत करें. ईद के बाद आपसे मुलाकात होती है. अब ईद किस दिन पे है, किस दिन पे क्या कह रही हूँ, इतना बोली हूँ मैं कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई है. किस दिन पे है एग्जैक्टली और कितनी छुट्टियाँ, ये हमें आगे जाके एग्जैक्टली पता चलेगा. बट ईद के बाद होपफुली, अगर वेडनेसडे को छुट्टी नहीं है तो तब आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल बहुत रखिएगा, प्लीज़ एहतियात बरतिए, अननेसेसरली बाय मत जाइए. कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. ईद पे कम से कम लोगों से मिलिए, मे बी सिर्फ क्लोज़ फैमिली के लिए. और अगर चूड़ियाँ नहीं है, ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, इट इज़ ओके, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें या जो पुराना था वो पहन लें. योर सेफ्टी इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू. सो आई होप मेरे इस भाषण का, मेरे इस सरमन का आप सब पे कोई ना कोई असर हुआ होगा. तो अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है. एंड ईद मुबारक इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू.